हॉर्लिक्स और नेटवर्क 18 लेकर आए हैं मिशन पोषण भविष्य रोशन। रमजान के महीने में वादा खिलाफी कर पाकिस्तान ने शनिवार देर रात सीमा पार से भारी गोलाबारी की। पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलाबारी में बीएसएफ के 2 जवान शहीद हो गए। शहीद जवानों में एक फतेहपुर के विजय पांडे थे तो दूसरे देवरिया के सत्य नारायण यादव थे। शहीद जवानों को बीएसएफ ने श्रद्धांजलि दी। पाकिस्तान की फायरिंग में 10 नागरिक भी घायल हो गए थे। शहीद विजय की पोस्टिंग 33वीं बटालियन बीएसएफ में थी, वो भी अखनूर सेक्टर में तैनात थे। जैसे ही शहीद विनय का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा, सभी की आंखें नम हो गईं। शहीद विजय की 20 जून को शादी होनी थी, 15 जून को उनका तिलक था। इसके लिए शहीद विजय ने छुट्टी के लिए आवेदन भी किया हुआ था, जिसे मंजूर कर लिया गया था। विजय 5 जून से छुट्टी पर घर जाने वाले थे। शादी की पूरी तैयारियां हो गई थी और 15 को तिलक था, 20 को शादी थी। अभी शादी होने वाली थी, उनको तिलक था और ये तो शादी की तैयारियां हो रही थी कि शादी में हम लोग जाएंगे, तो अचानक खबर पहुंच गई। संदीप बोल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। संदीप, शहीद का परिवार शहादत को ऐसे ही बेकार नहीं जाने देना चाहता है, अब बदले की मांग की आवाज उठ रही है। बिल्कुल, ये कोई पहली बार नहीं है। जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, उस वक्त जो है शहीद का परिवार गुस्से में होता है और वो बदले की मांग करता है। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा है, जब भी पाकिस्तान की फायरिंग में जिस अगर कोई हताहत होता है या उसके परिवार वाले जो है नाराजगी जाहिर करते हैं भारत सरकार के सामने और जवाब मांगते हैं और साथ ही साथ अप्रोप्रिएट एक्शन लेने की बात भी करते हैं। जिस तरीके से सीज फायर के लिए खुद पाकिस्तानी डीजीएमओ की तरफ से फोन आया भारतीय डीजीएमओ को, उसके बाद जो है सीमा पर जो है गोलीबारी बंद हुई किसी भी तरीके की, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से पाकिस्तान ने अपना चेहरा दिखाया और उसके बाद जो है लगातार सीज फायर वायलेशन शुरू किया, जिसमें जो है बीएसएफ के तो जवान जो है वो शहीद हुए। अब ऐसे में दोबारा से सवाल उठ रहा है, क्योंकि खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो है उन्होंने भी ये कहा है कि रमजान में जिस तरीके से अंदर जो घाटी में उसको सोचा जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, वही दूसरी तरफ जो बॉर्डर पे जिस तरीके की सीज फायर जो उल्लंघन कर रहे हैं, मुझे उम्मीद नहीं है कि अब भारतीय सेना जो है उनकी दोबारा किसी फोन का इस तरीके का माकूल जवाब दे। बिल्कुल संदीप, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।